हम कासल में तो नहीं जा सकते थे, कोरोना की वजह से भी उन्होंने फिर भी बंद किया हुआ है। ऑल तो लॉकडाउन खुल गया पूरे मुल्क में, लेकिन हम आपको एक छोटा सा व्यू दिखाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने नेचर को प्रिजर्व किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत परिंदे भी आते हैं, सीजन बर्ड भी आते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा। चले जी, अब हम आगे चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। सो लेट्स गो टू द अदर साइड। लेकिन आई मस्ट से जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसकी, चूँकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इन घर वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी श्योर। लेकिन अभी समर में तो एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। और ये लेक बहुत दूर तक जाती है। असल में इन्होंने इस लेक को, ये राइन रिवर है, उसको उन्होंने 200 में तोड़ा हुआ है। ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये इस पोर्शन को आर्टिफिशियली उन्होंने बनाया है ताकि स्विमिंग वगैरह करनी हो जिन्होंने या जिन्होंने कुछ नई चीज़ सीखनी हो, सर्फिंग वगैरह करनी हो, तो उसके लिए ये बनाया है। और जो मेन है वो मैं आपको जहाँ पहले दिखा चुका हूँ, तो मेरे राइट साइड पर यहाँ पर भी कुछ लोग सर्फिंग कर भी रहे हैं, देखा हूँ। तो ये वही फेरी है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। इसकी टिकट आपको पहले लेनी पड़ती है, तो अनफॉर्चुनेटली हम ले नहीं सके, तो आपको सिर्फ सर्सरी से विजिट करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो हम आपको लाजमी इस
फेरी के अंदर की सैर करवाएंगे। ये देखें आप, लोग यहाँ पर सर्फिंग भी कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत खूबसूरत व्यू है ये। यहाँ पर हर बंदे को स्विमिंग आती है, बचपन से इसे सिखाया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह का माहौल नहीं है।